जयपुर में एक लड़की के प्यार में पड़े दो आशिक आपस में भिड़ गए हैं। पिछले 4 सालों से दोनों युवकों से उसका अफेयर चल रहा था। गर्लफ्रेंड के दूसरे के साथ होने का पता चला तो दोनों आशिक आमने सामने हो गए। दोनों वह मेरी है कहकर झगड़ने लगे थे। हंगामे की सूचना पर पहुंची एयरपोर्ट थाना पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़कर थाने ले आई है। लड़की को बुलाने पर थाने तो आई लेकिन कुछ देर बाद ही भाग गए। दोनों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। SHO हेमेंद्र शर्मा ने बताया कि शांति भंग के आरोप में पवन और बस्तीराम निवासी जगतपुरा को गिरफ्तार किया गया है। दोनों लड़के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। गुरुवार देर रात दो लड़कों के झगड़ने और हंगामा करने की सूचना मिली थी। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवक एक लड़की को लेकर वह मेरी है बोलते हुए लड़ रहे थे। पुलिस ने दोनों को पकड़ा तो कहने लगे, नहीं वह तेरी है, उसे तू ही रख ले। झगड़ने वाले दोनों लड़के पवन और बस्तीराम को पकड़कर थाने ले आई है। जगतपुरा में रहकर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रही लड़की को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। एक बार तो लड़की थाने आई लेकिन फिर चुपचाप वहां से भाग गई थी। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों की गर्लफ्रेंड एक ही है। उस लड़की से पिछले 4 साल से दोनों का अफेयर चल रहा है। दोनों युवकों को इस बात का पता ही नहीं था कि वह एक ही युवती के साथ लिव इन में रह रहे हैं। कुछ दिनों के लिए लड़की पवन के साथ और कुछ दिन बस्तीराम के साथ लिव इन में रहती थी। गुरुवार को बस्तीराम को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड पवन नाम के युवक के साथ है। बस्तीराम ने पवन की लोकेशन पूछ कर मिलने की बात कही थी। पवन को भी जैसे ही इस बारे में पता चला तो वह भी बस्तीराम से मिलने पहुंच गया। गर्लफ्रेंड को लेकर दोनों झगड़ने लगे थे।